कैसे हैं आप बच्चों? स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारा टॉपिक शुरू है मसल्स, और उस मसल में हमने अब तक जो बात की वो थी स्केलेटल मसल के बारे में, गॉट इट। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम हमारे नेक्स्ट मसल्स के बारे में, कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्मूथ और नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। ओके, तो सबसे पहले इनका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, दिस मसल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ शीट्स और लेयर्स। ये जो मसल है ये हमें मिलेगी शीट के फॉर्म में या फिर लेयर्स के फॉर्म में, मतलब वो ग्रुप बना के रहती हैं। इसका सीधा मीनिंग है, शीट और लेयर का मतलब है वो ग्रुप बनाती हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं इस मसल्स को, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो मसल है कौन सी स्मूथ मसल, वो आपको ऐसे ग्रुप के फॉर्म में नज़र आ रही है ना। तो उसी ग्रुप को उन्होंने शीट और लेयर के लेयर कहा है। समझ में आया? ओके। दूसरा पॉइंट, ईच मसल सेल इज स्पिंडल शेप और फ्यूजी फॉर्म। इसका मतलब ये होता है बच्चों, स्पिंडल शेप फ्यूजी फॉर्म आपको पता है, जैसे अभी मैंने ड्रॉ किया था, ये जो मैंने शेप ड्रॉ किया इसे कहते हैं स्पिंडल शेप या फ्यूजी फॉर्म, है ना। या फिर मैं अगर ऐसा भी ड्रॉ करता हूँ तो इसे भी मैं कहूँगा स्पिंडल शेप और फ्यूजी फॉर्म। तो स्पिंडल शेप का मतलब ये जो, जैसे ये जो आप देख रहे हैं ए डायग्राम या बी डायग्राम, ये स्पिंडल शेप है। ओके, या फिर जैसे हमारी आंखें रहती हैं, हमारी आंखें होती है वो स्पिंडल शेप है, कोई फिश है मछली है वो स्पिंडल शेप है, या फिर हमें फ्यूजी फॉर्म कह सकते हैं। फ्यूजी फॉर्म इसलिए क्योंकि ये फ्यूज़ है, आप देख सकते हैं इसके टीप, आप ये वाला टीप देखिए, ये वाला टीप देखिए, है ना, फ्यूज़ है। यस, दे आर इन द फ्यूज फॉर्म, वो जुड़े हैं एकमेक से टीप। जैसे ये टीप, इसे मैं टीप ए लिखूंगा या टीप बी लिखूंगा, एक में को जुड़े है ये टीप, इसलिए इसको फ्यूज फॉर्म कहा गया। या फिर इधर भी देख सकते हैं आप डायग्राम ए में, ये दोनों एक मेक से जुड़े हैं एट द एंड, इसलिए उसको फ्यूजी फॉर्म कहा गया। नेक्स्ट, द फाइबर्स आर अनब्रांच, ये अनब्रांच है, सिंगल न्यूक्लियस है इसके अंदर एट द सेंटर। अनब्रांच का मतलब जानते हैं आप? अनब्रांच का मतलब है आप देख सकते हैं ये सिंगल है, मैं यहाँ पे एक ही सेल को ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, मतलब एक ही मसल है ये, एक ही मस्कुलर सेल है ये, कोई ब्रांच नहीं इसको। हाँ, अगर ब्रांच होता तो आपको कुछ इस तरह नजर आता, फिर वो अगर ये ब्रांचिंग फॉर्म में रहते हैं तो आपको कुछ ये ऐसे नजर आते, ये ब्रांचिंग फॉर्म हुआ, लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पे सिंगल है, नो ब्रांच, ठीक है, इसलिए इसको अनब्रांच कहा गया है, मतलब देयर इज नो ब्रांचिंग। उसी के साथ अगर हम इस सेल की बात करें तो इस सेल में आप पाएंगे कि न्यूक्लियस है वो भी सेंटर में है, यन का मतलब न्यूक्लियस, वो भी सेंटर में है ना। और उसके बाद इसमें सार्कोप्लाज्म भी है बच्चों, मैंने आपको सार्कोप्लाज्म पढ़ाया है, द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म। और इस सार्कोप्लाज्म में आप पाएंगे जैसे मायोफाइब्रिल्स, कौन है सार्कोप्लाज्म में? मायोफाइब्रिल्स, पता है ना मायोफाइब्रिल्स, लास्ट टाइम कहा था मैंने इसके बारे में, मायोफाइब्रिल्स बताइए कौन कौन से केमिकल से बना है? एक्टिन और, एक्टिन और मायोसिन, उससे बना ये मायोफाइब्रिल्स जो इसके अंदर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मायोफाइब्रिल्स आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन। अभी मैंने आपको समझाया ही था कि जो मायोफाइब्रिल्स रहते हैं वो एक प्रोटीन से बनते हैं, उस प्रोटीन को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ओके, कौन से प्रोटीन है? एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। स्मूथ मसल कंटेन लेस मायोसिन, सिर्फ इसमें एक खासियत, इसमें लेस मायोसिन रहता है एंड मोर एक्टिन रहता है, इस बात को जानिएगा, लेस मायोसिन एंड मोर एक्टिन एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल। तो ये सीधी कंपैरिजन हो रही है स्केलेटल मसल के साथ, तो इनके अंदर आप पाएंगे कि एक्टिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, मायोसिन काफ़ी कम है, अगर आप स्केलेटल मसल से कंपेयर करते हो तो। इनमें बच्चों स्ट्रिएशन अब्सेंट रहते हैं,
स्ट्रिएशन का मतलब होता है कि आपको जैसे स्ट्रिएशन हमने स्केलेटल मसल में पढ़ा था, है ना? यस। तो आपको यहाँ पे ऐसे स्ट्रिएशन नज़र नहीं आएंगे। स्ट्रिएशन का मतलब होता कि जैसे मैं यहाँ पे एक अलग कलर से ड्रॉ करूँ, आप देख सकते हैं सफ़ेद कलर में ऐसे बैंड्स। यस, स्ट्रिएशन का मतलब है बैंड्स। तो ये बैंड फिलहाल आपको यहाँ पे तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन इनके अंदर नहीं रहता है। यस, ये जो स्ट्रिएशन है ये इन मसल्स के अंदर नहीं रहते। तो आपको ये मसल जो है कुछ इस तरह नज़र आती है ना? यस, दिस इज़ द राइट मसल्स, दिस इज़ द राइट स्मूथ मसल्स। इसके अंदर नो स्ट्रिएशन। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये ऐसी नहीं रहती, क्योंकि इसके अंदर आपको स्ट्रिएशन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसी के साथ दिस मसल अंडरगोज स्लो एंड सस्टेनेबल इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर काफ़ी स्लोली और सस्टेन का मतलब होता है मेंटेन करने वाला, मतलब कुछ देर तक रहने वाला। इन्वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, इन्वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन आपको पता है बच्चों क्या रहता है, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता, वो इन्वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, यस। एंड देन इनर्वेटेड बाय द, इनर्वेट का मतलब है इसके अंदर कौन जा चुका है, इस मसल्स के अंदर जा चुका है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं ANS। इसके अंदर जा चुका है ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। समझ में आपको मैंने क्या कहा? तो ओके, पता है ना ये नाम, पता है आपको CNS फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। PNS फुल फॉर्म क्या है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ANS फुल फॉर्म क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इनके पास कौन सा नर्वस सिस्टम है? इनके पास है सर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसी की वजह से इन्वॉलंटरी काम करते रहते हैं, है ना? इन्वॉलंटरी एक्शन है इनके अंदर, वो हमारे मर्जी का, मतलब हमारे मर्जी से काम नहीं करते ये। ओके, देखिए क्या कहते हैं। और दीज आर फाउंड, ये कहाँ मिलती है, मसल कहाँ होती है? दीज आर फाउंड इन द वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन का मतलब होता है जैसे हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन, लंग्स, है ना, ओसोफेगस। पता है ओसोफेगस? पता है ओसोफेगस क्या रहता है? ओसोफेगस नहीं पता आपको? पता होगा सम स्टूडेंट को, ओसोफेगस एक ट्यूब है और उसके बाद स्टमक आता है। यस, ये स्टमक है और उसके पहले जो ट्यूब है इसका नाम होता है ओसोफेगस ट्यूब। ओके, यस। तो ओसोफेगस एक ट्यूब है, उसके अंदर भी ये पाया जाता है, इसे को विसरल ऑर्गन कहते हैं। विसरल ऑर्गन मतलब एक नाजुक से ऑर्गन रहता है ये। और आपको पता है स्टमक में अपने आप काम चलता है, इंटेस्टाइन में अपने आप मूवमेंट चलती है, लंग्स के अंदर भी चलता है ना? सो दैट्स कॉल्ड एज अ विसरल ऑर्गन। इनके अंदर होती है मसल, उसी के साथ ब्लड वेसल में भी होती है मसल। ब्लड वेसल भी अपने आप काम करती है। सर ब्लड वेसल अपने आप कैसे काम करती है? ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट भी होती है और रिलैक्स भी रहती हैं। तो ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर के ऊपर। किन के ऊपर? ब्लड प्रेशर के ऊपर। वो अपने आप, आपको पता भी नहीं रहता, आपको अपने आप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती रहती हैं। समझ में आया? ओके, तो ये जो मसल है विसरल ऑर्गन में मिलती है, ब्लड वेसल में मिलती है, इसीलिए इसको एक नाम दिया गया है विसरल मसल। याद रखिएगा, कौन सी मसल? विसरल मसल्स। तो इसके अलग अलग नाम है, विसरल मसल ऑल्सो कॉल्ड एज स्मूथ मसल, ऑल्सो कॉल्ड एज, इसके अलग अलग नाम लिख रहा हूँ मैं, विसरल मसल, स्मूथ मसल, नॉन स्ट्रिएटेड मसल, है ना, इसके अलग अलग नाम है, तीन नाम है इसके। ओके बच्चों, नेक्स्ट। अब इस पॉइंट को समझिएगा, ये जो मसल होती है बच्चों, स्मूथ मसल जो होती है वो अरेंज कैसी होती है? ये अरेंज होती है लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स और सर्कुलर मसल के फॉर्म में ऑफ एनी ऑर्गन। मतलब इनका अरेंजमेंट कैसा? इनका अरेंजमेंट होता है लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्कुलर। अब ये क्या है, अब वो समझिएगा अच्छे से। पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लॉन्जिट्यूडिनल मसल, मतलब ये अरेंज कैसी होती है? लॉन्जिट्यूडिनल सर्कुलर ये इसके टाइप ही है, स्मूथ मसल के टाइप है। अरेंजमेंट कैसे होती है वो उन्होंने बताया। इफ़ आई ड्रॉ हियर लॉन्जिट्यूडिनल, तो ऐसा ड्रॉ करूंगा मैं सीधे लाइन खींच रहा हूं,
तो ये है बच्चों लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स, यस, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, इट्स कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडिनल, वी कॉल इट लॉन्जिट्यूडिनल, ठीक है। अगर मैं सर्कुलर को ड्रॉ करूँ तो सर्कुलर मसल कुछ इस तरह होगी, सर्कुलर मसल जो होती है वो इस तरह होती है ना, ये है सर्कुलर, सफ़ेद कलर में देखिए आप, ओके। बैंगल्स कैसे रहते हैं, बैंगल्स, यस, वैसे। तो ये कौन सी मसल है, सर्कुलर मसल, मतलब कुछ मसल ऐसी फ्लो होती है, कुछ मसल ऐसी फ्लो होती है, जो सीधा फ्लो हो रहा है वो है लॉन्जिट्यूडिनल, और जो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में फ्लो हो रहा है वो है सर्कुलर स्मूथ मसल। तो आपको दोनों मसल समझ में आ गई, और दोनों मसल वहाँ पे वर्क करती है, चाहे वो सर्कुलर वर्क सर्कुलर हो या फिर लॉन्जिट्यूडिनल हो, बोथ मसल वहाँ पे वर्क करती हैं। क्लियर हुआ, समझ में आपको इसका मीनिंग क्या है, सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडिनल का, ओके। लास्टली आपके सामने एक डायग्राम है, जो हमारे किताब में भी डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कितना ये ऐसा स्पिंडल शेप में है, इसका शेप बच्चों होता है स्पिंडल शेप, है ना, यह स्पिंडल फॉर्म में है, ये इसके फ्यूजी फॉर्म में एक मेक को जुड़े हैं, ये उसके बाद में आप यहाँ पे और एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने ड्रॉ किया है प्लाज़ा मेम्ब्रेन, मतलब सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, देखो सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इसकी प्लाज़ा मेम्ब्रेन है। अब मैंने कलर चेंज किया, पहले यहाँ पे रेड कलर ड्रॉ किया था ना, हाँ, सबसे बाहर के मेम्ब्रेन प्लाज़ा मेम्ब्रेन, उसके अंदर आप देख सकते हैं मायोफाइब्रिल्स, यू नो एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन, मायोफाइब्रिल्स, यस। सेंटर में कौन है बच्चों, न्यूक्लियस है, और उसके प्लाज्म को, इसके साइटोप्लाज्म को क्या नाम दिया गया है, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। ये सब पता है आपको, आपको यहाँ पे डायग्राम में देखना है, स्पिंडल शेप है सर, सिंगल है, ब्रांच नहीं है, अनब्रांच है, सेंटर में न्यूक्लियस है, मायोफाइब्रिल्स है, लेकिन स्ट्रिएशन नज़र नहीं आते, बैंड नज़र नहीं आते, और उसके साइटोप्लाज्म को हमने नाम दिया सार्कोप्लाज्म। क्लियर हुआ, ओके। इस तरह ये मसल्स के कैरेक्टर्स हैं, काफ़ी सिंपल है, अगर आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब इसके बिसाइड दैट अगर आपको डाउट इसमें है तो डेफिनेटली आप मुझे यही स्मूथ मसल जो है वो जूम मीटिंग में पूछ सकते हैं, स्पेशली इसके ऑर्गन आप याद, मतलब ये मसल को विसरल मसल क्यों कहा गया ये याद रखिएगा, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। इसमें कितने प्रकार की मसल है, एक है लॉन्जिट्यूडिनल, एक है सर्कुलर मसल, है ना, तो उसके कैरेक्टर भी आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अब जूम मीटिंग में इसी टॉपिक के साथ।